करी हुई है, मर मुकुट है, लेकिन देखा उनका जो कलर बदला हुआ। राधा रानी समझ गई वो मेरी चिंता करते 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 कृष्ण अपना मेरी चिंता में डूब करके उन्होंने गौरव रूप धारण किया है। राधा रानी समझ गई। इतने में राधा रानी आकर के जो कृष्ण को स्पर्श करके राधा रानी का जो कलर रंग राधा रानी ने ग्रहण कर लिया। ग्रहण किया धीरे धीरे कृष्ण फिर अपना निज स्वरूप में आ गए। जब आगे अभी कृष्ण ने देखा मित्र रस स्वरूप आनंद स्वरूप, सारा वेद पुराण कहता है कृष्ण कौन है रस वैस। रस वैस मतलब विश्व ब्रह्मांड का जितने रस है जीव कहाँ से मिलता है भगवान से, क्योंकि भगवान रस स्वरूप है। कहते मैं आनंद के अंदर रस स्वरूप है, लेकिन आज मैंने राधा रानी की चिंता करते 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 मेरे को एक नया आनंद प्राप्त हुआ, इसका पहले जो आनंद मेरे को कभी मिला ही नहीं। तब कृष्ण समझ गए और राधा रानी प्रेम में कोई विशेष बात है, इसलिए उसी समय में उनने स्थिर कर लिया था कलयुग में मैं राधा जी की भाव और अंग कांति लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आऊंगा और सर्वत्र राधा रानी के प्रेम की महिमा एक दिन में प्रचार करूंगा। इसलिए कृष्ण उसी समय में ही कृष्ण उन्होंने सोच लिया था और राधा रानी की जो महिमा उनको पता कब चला, बोले यही पर उनको इसी वृक्ष को नीचे उन्होंने राधा रानी की महिमा को इसी वृक्ष को नीचे उनको पता चला। इसलिए जो कवर किया हुआ ना वृक्ष, वो वृक्ष है पास में एक लोग घर बनाने के लिए उन्होंने सोचा इसको काट कर घर बनाएंगे। जब उन्होंने काटने के लिए गए उसमें खून गिरा, उसने देखा अरे इसे पेड़ से खून गिर रहा है, पर बोले भैया काटो मत इसे खून निकल रहा है। कहते 7 दिन तक इसको खून गिरा इस वृक्ष से, और जिसने प्रेम में कटवाया था कटने के लिए कोशिश किया उसका वंश समय तो खत्म हो गया। इसलिए इसको कहते सिद्ध इमली वृक्ष कहते हैं। इसलिए कहते ना वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई डाल और पत्ते राधे। इसलिए यहाँ का जो वृक्ष नियम है उनका पता नहीं तोड़नी चाहिए, हैं? उनको कोई हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। क्यों पता नहीं कौन ऋषि मुनि किस रूप में यहाँ पर बैठ करके भजन कर रहे हैं। इसलिए ये स्थान हमारी गौड़ीय वैष्णव के लिए एक अलग दिव्य स्थान है, हमारे गौड़ीय वैष्णव के लिए। और महाप्रभु फिर यहीं पर आकर के तो द्वापर युग फिर महाप्रभु जब आए फिर यहीं पर आए आकर के महाप्रभु इसी वृक्ष को नीचे बैठ करके यहीं पर बैठ करके जमुना तरफ में देख करके यहीं पर महाप्रभु बैठ करके हरिनाम करते थे यहीं पर बैठ करके। उसको पहले नित्यानंद प्रभु यहाँ पर आए थे। नित्यानंद प्रभु आए तो उनको पता था कि महाप्रभु यहाँ पर आने वाले, इसलिए जो चबूतरा देख रहे ना जो चबूतरा को नित्यानंद प्रभु अपना हाथों से महाप्रभु के लिए बना कर गए थे। जब महाप्रभु आएंगे यहीं पर बैठ करके महाप्रभु कीर्तन करेंगे हरिनाम करेंगे बैठ करके, पहले से ये चबूतरा उन्होंने बना कर गए। पर जो महाप्रभु आए यहीं पर बैठ करके यहीं पर स्नान करके महाप्रभु इसमें यहीं पर महाप्रभु बैठ करके हरिनाम करते थे महाप्रभु। इसलिए स्थान हमारे गौड़ी वैष्णव के लिए एक बहुत बड़ा महत्व रखता है ये स्थान। जो श्री सचिनंदन गौर हरि हरि बोल।